सो मैं आप दोनों को भी इनवाइट कर रही हूँ फेयरवेल पार्टी पे आएंगे। आप अपनी मित्रों से बात करिए, हमसे बात करिए आप। मम्मा मैंने देखे इसके साथ ये क्या किया, टिकटॉक उनके साथ लड़ते इतना। गाइस मेरी बात सुनो, टीटू भाग गया। टीटू हाँ जल्दी आओ बाहर, जल्दी आओ। Hi guys, so welcome to FSS YouTube channel and welcome to new vlog. So hope so आप सब ठीक होंगे। So आज है finally चांद रात, कल बड़ी ईद है, कल सब कुर्बानियाँ हो जाएंगी, सब बहुत sad हो जाएंगे obviously मैं, क्योंकि मेरी first कुर्बानी थी टीटू के साथ और मैं बहुत 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 sad हो जाऊँगी क्योंकि मैं उसके साथ बहुत बहुत अटैच हो गई हूँ। बट इसी का नाम कुर्बानी होता है, ठीक है। तो अभी चांद रात के लिए हम सब रेडी हुए हैं, तो जैनब जो है वो इधर रेडी हो रही है चांद रात के लिए। तो मैंने ये सोचा है कि ऑब्वियसली टीटू बाकी बकरे हमें छोड़कर चले जाएंगे कल, तो मैंने टीटू के लिए एक पार्टी अरेंज की है, गुड बाय पार्टी, जिस पर सबको मैं बुलाऊंगी, ठीक है, चांद रात पर। और हम लोग थोड़ा फन करेंगे उसके साथ, टाइम स्पेंड करेंगे ताकि हमें वो मेमोरीज जो है वो याद रहे उसके साथ। वो कल ऑब्वियसली उसे चले जाने और मैं बहुत सैड हो जाऊंगी। सो आज की पार्टी में आने के लिए तैयार हो जैनब? मेहंदी शेंदी लगवा ली है? मैंने ऑलरेडी लगवा ली थी मेहंदी, तो मैं इसी अब होने लगी हूँ तैयार, ठीक है। तो आप लोग अपनी लुक दिखाऊंगी कि मैं तैयार होगी कैसे लगूंगी। तो फाइनली राबे इज रेडी और हमारी जो जैनब है वो भी ऑलमोस्ट दिखाओ रेडी हो चुकी है, और तुम्हारा वो कपड़ा नहीं सूखा अभी तक। अब हम चलते हैं टीटू के पास, देखते हैं उसकी क्या सूरत हाल है, क्योंकि ऊपर जो मेरी सारी बहनें वगैरह हैं वो तो बड़ा लगवा रही है मेहंदी। मैंने ऑलरेडी मेहंदी लगवा ली थी टीटू के साथ, तो इससे हम बाहर जाके देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, उसको भी थोड़ा सा तैयार करेंगे। और तो हमारे नए बकरे भी आ गए हैं तो उनको भी देखते हैं। हमारे जो बाकी बकरे हैं वो हम लोग नहीं लेकर आए क्योंकि यहाँ पर रखने के लिए जगह नहीं थी, तो इसलिए बस दो को ही लेकर आए। बाकी हम देखते हैं टीटू यहाँ पर जो है वो क्या कर रहा है। टीटू अकेलो वो तो मेरे बच्चों, यहाँ पर ये अकेला बैठा हुआ है, वो दोनों उधर है क्योंकि ये मम्मा के पौधे खाते हैं, वो भी खाते हैं, तो इसको यहाँ पर रखा हुआ था, इसकी स्पेशल प्लेस है। मेरे पास प्यार करवाने के लिए आयो, तैयार होना है पार्टी के लिए, रेडी हो, रेडी हो पार्टी के लिए। अभी हम करेंगे पार्टी, टीटू पार्टी, ठीक है। टीटू की पार्टी के हाई फाई दे दो, हाई फाई दे दो, ये अपनी टांग से हाई फाई देते, हाई फाई दे दो, बूम। ओके यार सुबह थोड़ी सी सैड हो गई हूँ, इमोशनल हो गई क्योंकि कल ये चला जाएगा। अच्छो अच्छो प्यार करते हो, ये देखो कैसे मेरे पर टांग रखते हैं। बट मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ टीटू, मैं तुम्हें बहुत 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 मिस करूँगी, बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, ठीक है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह के पास जाके जन्नत में खेलना है, ठीक है। देखो कैसे हग शक करता है मुझे ये। तो गाइस मैं दूसरा आप लोग को ये कहना, अच्छा अच्छा क्या कर रहे हो गाइस, दूसरा आप लोग ये कहना चाहूँगी, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आप लोग दिखावे के दिखावा क्यों करते हो अगर आप कोई अच्छा काम करते हो, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसका मतलब दिखावा नहीं, इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो अगर आप लोगों को बता रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि मैं लोगों को प्रमोट कर रही हूँ कि आप लोग भी करो, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप दिखावा करते हो। तो अगर मैं कोई अच्छा काम करती हूँ और मैं किसी को बता रही हूँ, तो आप लोग ये समझो कि आप उससे इंस्पायर हो और आप लोग भी करो। और मैं आप लोग को भी कहूँगी अगर आपको अच्छा काम करते हो तो आप लोग भी आगे प्रमोट करो उसको, लोगों को बताओ कि हम अच्छा काम करें। मैं इसीलिए आप लोग को बताती हूँ ताकि आप लोग भी करो। और क्या ऐसे मैं टीटू को भी देख लिया, ऊपर चलते हैं अपनी बहनों के पास, ठीक है। वहाँ जाकर थोड़ा सा मौज मस्ती नाच गाना इन्होंने किया, भाई इन सबको मैं इन्विटेशन देकर आती हूँ कि एक टीटू के लिए पार्टी अरेंज करने लगी हूँ। हम अपने ये वाले बकरों को प्यार कर लेते हैं, ये वाले बकरे एक्चुअली प्यार नहीं करवाते, ये बड़े ना मतलब ना तंग करते हैं, ये ना भागते हैं। हाँ एकदम, मुझे ना डरो बच्चों, मुझसे ना डरो, मुझसे ना डरो। तो ये एक ये है और एक ये नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। तो तुम लोग भी पार्टी में आ सकते हो, ओके। टीटू के फ्रेंड हो तुम लोग, हाय बाय छिशूम। तो इनको मैंने पार्टी में बुला लिया, ठीक है, और उसकी पार्टी के लिए कर रही हूँ, और ऊपर जाके मैं सबको बता देती हूँ कि गाइस तुम लोग इनवाइटेड हो टीटू की पार्टी में, टीटू पार्टी। और गाइस तो मैं एक इन्विटेशन बनाऊंगी जो ऊपर जाके इन सबको दूंगी कि आप लोग इन्वाइटेड हो उसकी पार्टी के अंदर, तो फिर उसको हम प्रिपरेशन करेंगे पार्टी की, तो इनविटेशन कार्ड बनाते हैं। और यार से मैंने इनविटेशन बना लिया है टीटूस पार्टी, और अब ये इनविटेशन जो है ना वो मैं जाकर देती हूँ अपनी बहनों को ताकि वो लोग भी आ सकें। और यार से ये लोग यहाँ पे जो है बहनें मेरी मेहंदियाँ लगवा रही हैं, वाह हिरापी वाह मेहंदी, इधर इसने भी और आप भी ने भी। तुम लोगों को मैं एक चीज पे इनवाइट करने आई हूँ, एक मिनट। टीटू का बर्थडे है तो मैं नहीं, नहीं बर्थडे नहीं है उसकी, गुड बाय, गुड बाय पार्टी का ले लो, यार ले लो। वो नीचे आओगी खाना पीना केक शेक सब मिलेगा अभी उसके गुड बाय पार्टी में। नहीं सच्ची दूंगी, प्रॉमिस दूंगी। खाना भी वही है जो मैं भी बना के आई हूँ नीचे, जो मैं भी खा खत्म। एक वाला मिनट दे दो यार मुझे, तुम भी इनवाइटेड हो।
ये लो खाना, वही नहीं है जो मैंने नीचे। अच्छा ले तो लो यार, नहीं पहले बताओ खाना। मैंने एक बाइट खाया, खत्म हो गया खाना। मैं खुद अपने हाथ से खाना खाऊंगी, प्रॉमिस। ठीक है, मैं घर से खा के अभी आना थोड़ी देर में। ठीक है, पार्टी है। चलो टाइम वो बस टाइम ही है, जब मर्जी आ जाओ, पार्टी स्टार्ट है। आप भी कभी दे देते हैं जी। टीटू की पार्टी पे आना, टीटू पार्टी पे आना। कौन सी तस्वीर फाड़ी है? कोई नहीं फाड़ी, चुप कर रही है। मैंने कोई नहीं यार, मैं सच्ची कोई नहीं। कौन सी फाड़ी है? मेरी बर्थडे की पिक्चर थी यार, ये इतनी कॉमन हुई पड़ी है। हाँ, व्हाट द हेल, तुमने टिटू की पार्टी में फाड़ दी, टिटू की छुट्टी की। टिटू यार अकल में बहुत दुख, तुमने वो पिक्चर क्यों फाड़ी? मेरी मेरा मुंह किधर अंदर? गाइस आपकी का मुंह कट गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये इतनी बड़ी इकरा सामने नहीं बैठी हुई। और गाइस फाइनली मेरी मेहंदी तो लग चुकी है और बहुत अच्छा कलर आ चुका है। ठीक है, तो अब मैं जो है ना नीचे टीटू की जो है ना बर्थडे पार्टी के अरेंजमेंट्स करने जा रही हूँ। ऊपर से हम कुछ सामान लेंगे बर्थडे पार्टी का। ठीक है, बर्थडे पार्टी नहीं, सॉरी, गुड बाय पार्टी। तो फिर उसके बाद, हाँ, फेयरवेल पार्टी है। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो है ना मैं इन सबको नीचे बुलाऊंगी। कुछ खाने पीने का भी अरेंजमेंट कर लेते हैं, लेकिन नहीं, खाना पीना नहीं खा लिया ना। तेरा टीटू ही खाएंगे। ओ नहीं, खाना उसको मम्मा एक तो हमने उसको इतना प्यार कर, उसी को ही खाना है। ना ना, आज उसकी फेवरेट पार्टी पे खाना खाएंगे। रब्या को बुखार चढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि रब्या का टिट्टू खा रहे होंगे। मैं वैसे दुखी होंगी, लेकिन मैं उसका पार्टी का अरेंजमेंट्स करने लगी। वैसे यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें हैं अरेंजमेंट्स की, ये सब सामान वगैरह। ठीक है, तो ये सारा जो है ना हम नीचे लेके चलते हैं और उसकी नीचे जाके डेकोरेशन करते हैं। और दोनों बकरों को जेलस करूंगी मैं, जो नीचे दूसरे हैं। नहीं नहीं, उनको भी अरेंज कर, उनको भी ऐड कर लूंगी पार्टी में। ये डेकोरेशन वगैरह करने जा रही हूँ, हम जाके देखते हैं कि कितना मजा आएगा। अब हम जाते हैं फातिमा को देने के लिए इनविटेशन। फातिमा तुम भी इनवाइटेड हो उसके पार्टी पे। ठीक है, पार्टी पे, टीटू की बर्थडे पार्टी पे। यार मैंने फिर गलती से बोल दिया बर्थडे पार्टी, मेरे मुँह से निकल जा रहा है गुड बाय पार्टी है उसकी। गुड बाय पार्टी भी कल वो जा रहा है, तो मैंने गुड बाय पार्टी करी क्योंकि उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ। ओके यार, तो मैंने सोचा कि हम टीटू को इधर इधर उसकी पार्टी करेंगे, क्योंकि यहाँ तो ये दोनों महाराजा बैठे हैं। तो आप दोनों भी इनवाइटेड हैं, ठीक है ना, दुख नहीं होना आप दोनों ने। ठीक है, तो यहाँ पे अरेंजमेंट करूँ या फिर यहाँ पे करूँ? बट जहाँ पे भी करनी है ना, वहाँ पे मुझे पौधे हटाने, क्योंकि वो फटाफट से मम्मा के वो लोग पौधे खा जाते हैं, तो समझ नहीं आ रही कहाँ करूँ। ओके यार, तो अभी हम लोग जो थे उसकी फेयरवेल पार्टी करनी थी, तो हमारे यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि गेस्ट आने, लेकिन एकदम से आ गए हैं दो गेस्ट। तो मैं आप दोनों को भी इनवाइट कर रही हूँ फेयरवेल पार्टी पे। आएंगे आप दोनों से कह रही हूँ, आएंगे फेयरवेल पार्टी पे दोनों। अभी पार्टी उसमें भी डेकोर करूंगी, पूरा कैप पहनाऊंगी। 5 मिलियन हो गया है YouTube पे। वाह, कांग्रेचुलेशन। मुझे लगता है डायमंड बटन सबसे पहले गिव लाने वाले हैं। वाह, एंड वी आर डबल सेलिब्रेशन करेंगे क्योंकि वो कल जा रहा है ना टीटू। तो गेस बर्थ, वो तो पढ़ने के बाद होगा। ओके यार, तो मैं टीटू की तरह उसको बताऊं कि गेस्ट भी आ चुके हैं, तो इसीलिए अब अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी फेयरवेल की, क्योंकि उसके लिए स्पेशल गेस्ट आए हैं। टीटू मेरा बच्चा, गेस्ट आए, तैयार ही नहीं, तैयार श्यार नहीं होना क्या? तुम्हें मैं तैयार करूंगी, ठीक है ना? वो मेरा बच्चो। ओके यार, सो पहले जो है ना मैं उस एरिया की सारी सफाई करूंगी, फिर हम टीटू को तो लेके आएंगे, टीटू को हम तैयार करेंगे। ठीक है, अच्छा सा तैयार होना है। ओके, क्योंकि कल इतना चला जाना, मैं तैयार हो रही हूँ। मैं जितना टाइम हो सकता है उतना इसके साथ स्पेंड करूंगी, मेरी बहुत ज्यादा मेमोरीज हैं इसके साथ, बहुत ज्यादा। तुम दोनों को भी थोड़ा थोड़ा तैयार कर दो, क्योंकि वो गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है ना? तो मैं यहाँ से पहले करूंगी सफाई, क्योंकि यहाँ पे आपको गंद दिखाती हूँ कितना ज्यादा है इधर। कुछ इतना ज्यादा गंद है, अल्लाह। तो यहाँ की हम करेंगे सफाई और फिर देखते क्या करें। ओके यार, तो मैं ये अरेंजमेंट के यहाँ पे उसको बांधेंगे, ठीक है, इधर सारी अरेंजमेंट्स करेंगे और यहाँ ये इनको थोड़ा सा खिला देते हैं। ये लो जी, तुम लोग भी खा लो, खा लो जी, खा लो। नहीं खाना, ये लोग भी खा, इनसे के भी मुझे प्यारे लगते हैं यार। ओके यार, यहाँ से हम लगाएंगे सारी की सारी झाड़ू, ठीक है। ओके यार, मैंने सफाई वगैरह कर ली है, ठीक है, अब मैं लेने जा रही हूँ टीटू को। तो टीटू को थोड़ा एंजॉय वगैरह करवाते हैं, टीटू के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ओ, अकेला बैठा हुआ था, आज जो मैं लेने आई हूँ अपने बच्चे को। अब आपने मेरे साथ ही रहना है, ठीक है, आपकी रस्सी खोल रही हूँ। अब आपने मेरे साथ त्यार श्यार होना है। चलो जी, टीटू खुल चुका है। टीटू चलो, शाबाश, तेजी से चलो, मम्मा के पौधे खाए बगैर। ना ना ना, मम्मा के पौधे खाता है यार ये। नो फाइटिंग, नो फाइटिंग, ठीक है, नो फाइटिंग। ये लोग ना उसके साथ उसको घूर घूर के देखे, टीटू को ना कुछ कहो। वो देखो जरा दोनों कैसे इसको देख रहे हैं। दोस्ती कर लो इससे, दोस्ती, टीटू दोस्ती करनी है इससे, दोस्ती। और गाइस, हम लगा रहे टीटू के सर पे बलून्स, और पापा ने ये टेक्निक से उसके सर पे लगा दिए बलून्स। ये वो वाला बलून फट गया था, इसके ऊपर हमने ये वाला लगा लिया, और अब आप भी इन्वाइटेड है इसकी फेयरवेल में। इसको मैं पूरा भी तैयार करूंगी अच्छा सा। ओके, ये जो स्क्रंचीज हैं ये हम पहनाएंगे टीटू के पैरों में। आय हाय हाय,
मेरे बच्चे अपनी टांग मेरे ऊपर रखो। यस अच्छा शोर क्यों मचाते हो? कर रही हूँ ना, सबर नहीं है। ऐसे से टांग को करने लग गया है। टिटू अपने पाँव मुझे पकड़ाओ। बच्चे सुनवा लो प्लीज यार, प्लीज यार, मैं बड़ा प्यार मुझे ही खाने लगे। मैं तुम्हें इतना प्यार करती, तुम्हें इतना नहीं कर सकते हो क्या? ये आओ ना छुट्टियाँ बना दो, आओ छुट्टियाँ बना दो। ओके गाइस, मैंने इसके ये पीछे बांध दी क्योंकि पाँव पे तो बंद बांध ही रहा था, ठीक है। और टीटू फुल रेडी हो चुका है, बहुत क्यूट लग रहा है अभी। और इसको मैंने एक सैश पहनानी है हैप्पी बर्थडे की। इसका बर्थडे नहीं फेवर है, बट फिर भी मैं बर्थडे वाली सैश पहनूंगी। बट वो सैश मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं क्यों, बट ये बहुत क्यूट लग रहा है। ओके गाइस, फाइनली मुझे ये मिल चुकी है, ठीक है। तो अब जो है ना, हम लोग इसको लगाते हैं टीटू के ऊपर, पहनाएंगे। इसके ऊपर लिखा हुआ है बर्थडे गर्ल। टीटू आप गर्ल हो, इसके ऊपर लिखा हुआ है बर्थडे गर्ल। जैसे लड़कियां पहनती है ना वैसे पहने। टांगे ऊपर कर लो, टांगे ऊपर कर लो, चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। ओके यार, सो फाइनली इसको हमने रेडी कर लिया है। ओ कितना, ओ उसकी आंखों के आगे आ रहा है। ओके गाइस, मम्मा भी आ गई। मम्मा मैंने देखे इसके साथ ये क्या किया, टिकटॉक और फाइनली गाइस जो टीटू है वो अपनी फेयरवेल पार्टी के लिए जब वो रेडी हो चुके हैं, अब मैं सबको बुलाती हूँ कि फाइनली हम टीटू की सेलिब्रेशन करेंगे। टीटू आर यू रेडी फॉर सेलिब्रेशंस? आगे से शक्ल तो दिखाओ, कैसे प्यारे लग रहे हो। इधर देखो टीटू को बारे का कितना प्यार। मैं देखिए टिकटॉक लगी है पीछे और ये मैंने इसकी सैश भी लगा दी है, खाने की पड़ी हुई है। मम्मा के पौधे, वो त्यार श्यार हो के मम्मा के पौधे ना खाओ, उनके साथ लड़ते हैं। इतना प्यार, कितना त्यार हो के लड़ाई कर। ओ मम्मा ना करे, वो एक दूसरे को मार देंगे, ना करे ना। मार देंगे, वो जाके खुद मारेंगे, लड़का है पूरा। चला ऊपर से ऊपर लिखा हुआ स्पेशल टीटू, उनके घास खाने चला गया। उन्होंने कहा केक आया के मार रहे, उसका मुंह बलून ना फाड़ दें। गाइस टीटू बहुत लड़ाका है, ज़ैनब पे गया है। ओ देखो लड़के से ने वो तैयार कितना हुआ है। उसका वो खा रहे हैं मम्मा। वापिस आ जाओ टीटू, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ अपनी जगह पे। कितना क्यूट लग रहा है तैयार होके। वो दोनों ना शैतान बने, मैं कह रहा हूं। घर का हाल देखे, क्या क्या गंदगी मचाई है एक दिन में। पहले दो दिनों से गंद नहीं डाला, हाँ। बड़ों ने आके डाला है, बड़ों ने आके इतना गंद डाल दिया। वो क्या कर रहे हैं, चेक करो गंद। अभी मैं उनको ऊपर से बुलाती हूँ, वो लोग आते हैं तो फिर हम लोग पार्टी करेंगे। क्या कह रहे हैं? हाँ वहाँ पे, हाँ उधर उधर ही आराम से जाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, जाकर वापिस आ जाएंगे। इधर बड़ा गंद पड़ जाता है। ये शरीफ की तरह पापा के साथ खड़ा हुआ है। ओके गाइस, सो फाइनली टीटू रेडी हो चुके हैं। आ जाओ पार्टी में, पार्टी में आ जाओ। मैं आ रही हूँ, बाकी को उठा लो। पार्टी में आ जाए। क्या है पार्टी में? पार्टी में बस टीटू तैयार हुआ और कुछ नहीं हुआ, तैयार हुआ बस। चलो कमी, आ जाओ पार्टी में, पार्टी में आ जाओ, पार्टी में आ जाओ, पार्टी में आ जाओ, टीटू की पार्टी में आ जाओ। यार मैंने इतनी मेहनत से इतना कुछ कर, कोई मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहा, कोई, अच्छा तो चुप कर जाओ, कोई मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहा, कोई मेरी पार्टी में। यार मैंने इतनी मेहनत से उसको डेकोर किया था, अब मैं इन सबके साथ करूंगी फाइनली राबिया अपने जोन में आ गई, अब राबिया करेगी सबके साथ प्रैंक। ओके गाइस, तो मैंने फाइनली टीटू को वापस उसकी जगह पे ला के बांध दिया क्योंकि कोई मेरे फेयरवेल पार्टी पर नहीं आया। मैं बहुत खुश थी, कोई भी नहीं आया, मैं सबसे नाराज हूँ घर में। मैं इनके साथ इतना अच्छा प्रैंक करने वाली हूँ ना कि ये लोग सब हैरान रह जाएंगे। टीटू कोई हमारी पार्टी पर नहीं आया ना, सारी तैयारी अलग रहेगी ना, ये भी उतार दो। कोई बात नहीं टीटू, कोई हमारी पार्टी पर नहीं आया। टीटू नाराज होने की बात नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब हम देखना इन सबके साथ हम प्रैंक करेंगे, ये भी उतार दो सर से अपने, ऐ सारे पागल। टीटू अब मेरा साथ हो गया, हमने करना है एक प्रैंक। गाइस फाइनली टीटू को भी मैं अपने प्रैंक में ऐड करने लगी हूँ, ठीक है। तो प्रैंक कुछ है कि मैं यहाँ पे टीटू को छुपा दिया है, यहाँ पर किसी को नहीं पता कि टीटू यहाँ पर है, क्योंकि सबको मैंने कहा था कि टीटू बाहर है। अब मैं ये कहूँगी कि सबको कि टीटू भाग गया, बट वो यहाँ पे ऑब्वियसली चेक करने आएंगे, तो मैं उनको एंड तक यही, अगर वो यहाँ चेक करने आ गए तो मतलब मैं पकड़ी जाऊँगी, अगर वो लोग नहीं आएंगे तो मैं जीत जाऊँगी। तो थोड़ा सा तो सबको एक हार्ट दूंगी, मैं बोलूँगी कि टीटू भाग गया, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ छुपे रहना और आवाज़ नहीं करनी, ठीक है मेरा बच्चा। यार कल चला जाएगा, कल आए मैं बहुत याद करूँगी तुम्हें।
तो यार अब मेरी एक्टिंग ऐसे शुरू होगी कि मैंने बाहर करा दरवाजा खोल दूंगी, ठीक है टिटू बस तुम आवाज ना करना मैं पकड़ी जाऊंगी। ऑब्वियसली ये लोग पहले आके यहाँ पे देखेंगे, बट मैं सबको यही कहूँगी कि मम्मा टिटू यहाँ से बाहर भाग गया है, मम्मा टिटू यहाँ से बाहर भाग गया है, ऐसे बोलूंगी ठीक है। तो मैंने ये अब करना है कि ये वाले बकरे ना बता दें, वैसे नहीं ये लोग क्या ही बताएंगे। मैंने ये कहना है कि यहाँ से टिटू भाग गया, तुम लोग मेरे साथ ऐड हो ना, कोई मेरे फेयरवेल पार्टी में नहीं आया, मैं नाराज हूँ सबसे। ओके यार तो मैं जो है ना ये वाला रास्ता जो है ना यहाँ से मैं ऐसे एक्ट करती हूँ, रुको जरा मेरी जूती देखो एज ऑलवेज उल्टी। गाइस तुम लोग मेरे स्टंट में मेरा साथ दोगे ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया, रुको जरा ये हमने यहाँ पे कर देते हैं ठीक है, तुम दोनों इधर हो और यहाँ से हम बोलेंगे टीटू ये चीज़ें उतार के टीटू की ना आइडिया पे फेंक कर आती हूँ ताकि सबको लगे कि वो सच में भाग गए ठीक है ना। ये जो मैंने उसको पहनाया था ये मैं फेंक देती हूँ इधर ठीक है, यहाँ गया था टीटू। वाह राबिया मुझे तो कहीं पर साइंस लगानी चाहिए। इसके बाद इसकी और टीटू की चीज़ें कहाँ गई, ये सर पर लगा था टीटू के, ये जो है ना अब मैं फेंक दूंगी इधर, फिर मैं कहूंगी टीटू वहां से कहीं निकल गया, बहुत तेज हूँ मैं यार, ये मैं फेंक दूंगी यहाँ पे। तुम दोनों ने कुछ नहीं बताना ठीक है ना। यार अबे तुमने ऐसे एक्टिंग करनी है कि समझो तुम्हें ऑस्कर का अवार्ड मिलना है ठीक है, एक्टर नहीं बनना पड़ोगे। चलो गाइस मेरी बात सुनो, टीटू भाग गया है? टीटू हाँ जल्दी आओ बाहर, जल्दी आओ, मम्मा पता नहीं दरवाजा खुला हुआ था वो भाग गया, यहाँ पे मैंने बांधा था, जल्दी आओ। तो दरवाजा किसने खोला? पता नहीं क्या मतलब पता नहीं, इधर इधर तो बांधा मैंने। हाँ आप लोगों ने इधर बांधा उसके पीछे तो वो टिकटॉक वाला कुमारा भी था, वो किधर गया? हाँ मैं तुम लोगों को दिखाया था, ये देखो वो देखो नहीं यार देखो, और वो देखे उसके सर पे लगा था ये, हाँ गाड़ी के पीछे देखे मम्मा ये देखे, मैं सीसीटीवी नहीं देखनी, सीसीटीवी नहीं देखनी यार, वो हो गया तुम गाड़ी के यार उसमें नहीं देखे, सबको टेंशन में डाल दिया मैंने यार, मुझे अब डर लगा। पापा उधर ढूंढने गए उसको, क्या आप लोगों को क्या लगता है कहाँ गया होगा? वापस आ जाओ, वापस आओ, नहीं पापा जी उधर उधर गया होगा, उस साइड पे भागा था वो। ये राबिया को पना दो ऐसे, नहीं यार सच्ची कह रही हूँ, पापा कुछ कह रहे हैं गया जाने तो कोई और दीपा कर ले, समझो तुम्हारी तरह से कुर्बान हो गया, अभी इतने अंधेरे में कौन टिट्टू ढूंढे तुम्हारा, खत्म हो गया वो इससे। रब ऐसा करो मेरा डूडू ले लो, ये क्या हंस रही है, इसने कहीं ना उधर छुपाया होगा। ओए गाइस आप लोग बता दो मैं प्रैंक कर रही थी, पता था मैसेज आ रहा, आपको चल गया था पहले, इतनी बुरी एक्टिंग इतनी फजूल, हम यहाँ से निकल रहे तो हमें आवाज आ गई थी टिट्टू पार्टी नहीं चल रही यहाँ पे टिट्टू यार, लेकिन तुम लोगों को पता कैसे था कि प्रैंक है? टिट्टू के मुंह में जुबान है क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग है ना, हाँ जी माशाल्लाह बहुत प्यारी। ओ मैं तो ऑस्कर मिल जाना था, ऑस्कर जीतना आपको मिल जाएगा मम्मा, आपने भी एक्टिंग की, टिट्टू घूम जाता तो इसने गिरी होना था बेहोश। हां मैंने आप लोगों से बदला लिया, कोई मेरी फेयरवेल पार्टी पे नहीं आया था इसलिए मैंने बदला लिया था तुम लोगों से। यार अब्या तुम क्या मसला है यार, तुमने आइंदा की बार मैंने नहीं प्रैंक किया बाहर बुला के पहले, लेकिन सच में तो लगा था ना पहले कल प्रैंक नहीं था बिल्कुल। तुम लोगों को बकरे की आवाज कैसे आ गई? ये बकरे बोल रहे थे वो पीछे से आवाज आई, मैंने कहा जो या दो नहीं है एक उधर, दोनों बकरों का मुंह बंद था और बकरों की आवाज आ रही है तो मुझे समझ आ गया कि पीछे। देखें हमारे साथ इंटेलिजेंट नहीं, हर दफा प्रैंक कर जो नहीं पकड़े जाते, उन्होंने बताया पूछा कि सीसीटीवी चेक कर लो तो आप सीसीटीवी चेक करने से इनकार कर दिया, सबसे बड़ा धोखा। ओके गाइस फाइनली प्रैंक पकड़ा गया, कोई बात नहीं, बताने के लिए बहुत बेइज्जती होगी। हाँ मम्मा अब तो हो गई, मेरा प्लान पकड़ा गया है, क्या पता ना हो, टीटू ने पकड़ाया मुझे, टीटू ने पीछे मैं है कि उनको आवाज आ गई, उन्होंने कहा कि हाय हीरा पे पहले मेरे बिहारे बच्चे से हीरा पे कर ले चला जाएगा, मुझे भी मेरा बच्चा कल चला जाएगा, जो कल चले जाओगे बहुत इमोशनल हो रही है इसको लेके, मुझे नहीं देखी जाएंगी इसकी आवाजें, मेरे सूटने से पहले ही चला जाएगा। आर यू क्राइंग? हीरोपी वो रो रहे है, आई प्रॉमिस वो रो रहे है, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा रो रहा है, बड़ा दिल भारी हो रहा है उसको, टिट्टू मैं क्या, टिट्टू ने पता है प्रैंक मेरा टिट्टू ने पकड़वाया है, कोई बात नहीं मैंने इसके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया यार बहुत ज़्यादा, वो देखो इज क्राइंग यार, हाय अन्ना टिट्टू बहुत मिस करूँगी मैं तुम्हें। गाइस कल टीटू हमें छोड़ के चला जाएगा और मुझे बहुत 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 दुख होगा, मैं इसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, मेरी पहली ज़िंदगी कुर्बानी थी और मैं बहुत हर्ट होंगी मुझे पता है,
कल तो बहुत ज़्यादा, अभी भी जितना नहीं हो रहा लेकिन कल बहुत ज़्यादा होगा कि अगले दिन मैं इसको नहीं देख सकूँगी, मैं इसकी आवाज़ें मिस करूँगी, हर चीज़ मिस करूँगी। आई विल मिस यू टिटू, कल बहुत रोना आएगा मुझे पता है। अभी तो मैं थोड़ा फन फन में हूँ ना, समझता रोना नहीं, कल मैं मुझे पता है मुझे बहुत रोना आएगा टिटू, हम बहुत मिस करेंगे। और ऐसे ही अल्लाह तुम्हें जन्नत में दे और जन्नत में मिलेंगे फिर साथ, ठीक है गाइस। ये मेरी बजाय इरापी क्यों रो रही है टिटू के लिए? यार ना रो, मुझे भी रोना आ रहा है टिटू, आई विल मिस यू। मम्मा इरापी रो रही है, इरापी कुछ नहीं होता, कुर्बानी से ही कहते हैं। चलो बस चुप, वो बड़े बकरों का कोई दुख नहीं है, इसका दुख है ना बच्चे से। चुप बच्चे, मैं तो कह रही हूँ मेरे पापा से इतनी बात के ना करो कि फिर भी करना पड़ रहा है। कुर्बानी नाम होता है अपनी प्यारी चीज को कुर्बान करना। और मम्मा मुझे से इतना प्यार हो गया था, मैंने इसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया, इतना खिलाया है, इतना कुछ किया है मैंने इसके साथ। हाय बच्चा बैठ गए, याद है मेहंदी लगाई थी, याद है हमने इसको टिट्टू लगाई थी इसको मैंने। गाइस टिट्टू हमेशा हमारी प्रेयर्स में रहेगा, हमेशा हम इसको याद करेंगे, कल ये चला जाएगा। सो जाऊंगी ना फिर सुबह पापा इसकी कुर्बानी कर देंगे तो फिर ऐसे नहीं देख सकती ना, इसलिए मैं रात को प्यार करके सो रही हूँ। हाय अल्लाह मेरा बच्चा। ओके गाइस, सो होप सो कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा ये वाला, क्योंकि ये ऐसा व्लॉग है जिसमें टिटू आज आखिरी दफा दिख रहा है, इसके बाद नहीं दिखेगा और किसी भी व्लॉग में। सो होप सो कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा, इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में टीटू की सारे बच्चे तारीफें करें कि टीटू के बारे में उनको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि टीटू हमारी ज़िंदगी से जाने वाला है कल। सो हिरापी इमोशनल हो गई थी, उसका भी मेरे साथ टीटू से प्यार हो गया था। करना है ना लकी राम, कहते हैं अभी प्यारी चीज़ हो गया, हम खड़े हुए साथ ही खड़ा हो गया बच्चा। ओके गाइस, तो आप लोग का व्लॉग अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ करनी है कि टीटू हमारे साथ जन्नत में जाए, और ये व्लॉग टीटू से एंड करेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।